तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग्स की। देखिए हमारी जो दूसरी टॉपिक जो होती है, पहले टॉपिक में कॉपी पेस्ट वगैरह बताया था तो ये सिंपल चीज़ें थी। दूसरी टॉपिक जो हमारी है वो है फॉर्मेटिंग्स। अब देखिए फॉर्मेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिपोर्ट बना हुआ है, स्क्रिप्ट वर्क ट्रैकर करके बना हुआ है, ऐसे ही मान लीजिए ये ले लिया, मेरा नहीं किसी और का। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल तो किया गया है, क्या गया ना, लेकिन ये फॉर्मूले कहाँ पे लगे हुए? एक अच्छे एक डिजाइन फॉर्मेटिंग पे लगे हुए ना। अगर मान लीजिए जो सारे कलर वगैरह, सारे कलर्स वगैरह मैं हटा दूँ, बॉर्डर्स वगैरह हटा दूँ, तो कुछ समझ में आएगा क्या है क्या? कैलेंडर लगेगा, प्लेन कैलेंडर, प्लेन कैलेंडर लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है गरिमा जी यानी विनोद जी, वो यूज होता है आपको रिपोर्ट को सही तरीके से अरेंज करने के, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। करेक्ट। क्योंकि यहीं पे आप देख लीजिए, इसी रिपोर्ट को देख लीजिए, बहुत सारे फॉर्मूला लगा रखा है, लेकिन हमने इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं शैडो दिख रहा होगा, बेसिकली शैडो नहीं है, इसी तरह का कलर किया हुआ है ताकि शैडो दिखे। तो इस तरह की चीज़ें हम बात करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि कलर कैसे किया जाता है, बॉर्डर कैसे किया जाता है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले से आती होगी, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक है। हम कुछ ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए हम ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक्स हम बात करेंगे, जैसे कि आप एक्सेल में जाते हैं, यहाँ पे टेंथ यूज करते हैं, टेंथ लिखा तो टेंथ ऊपर चला जाता है वर्ड में अगर आप यूज करते हैं तो, बट एक्सेल में आपको मैनुअली करना पड़ता है। जैसे कि फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल पे गए, राइट क्लिक करके सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल ओ लिखते हैं, फिर डबल क्लिक करके इस स्मॉल ओ को सेलेक्ट करते हैं और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं जहां हमें फॉन्ट की फॉर्मेटिंग मिलती है, और यहां हम सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंटर प्रेस कीजिए, आपके यहां पे 10 डिग्री आपको दिख गया। ओके ओके। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है कि ये तो चलो ठीक है, वन बाई वन ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ लिस्ट है इस तरह की, तो मैं इस पर डिग्री लिखना चाहता हूँ। ऐसे में मान लीजिए 10,000 है, तो प्रॉब्लम है कि डिग्री कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर आप डिग्री लिखना चाहते हैं तो आपको एक एक करके जाके आपको स्मॉल ओ लिखना पड़ेगा, फिर डबल क्लिक करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड आपको सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, पूरे सेल को लेते हैं, राइट क्लिक करके सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं, तो पूरा सेल आपका छोटा हो जाएगा, वो आपका डिग्री फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यहाँ आपको हर एक सेल में ओ टाइप करना है, अगर टाइप नहीं किए फॉर्मूले से यूज़ कर दिए, फिर भी आपको डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर करेक्टर को सिलेक्ट करना है, देन उस पर्टिकुलर करेक्टर पे आपको अप्लाई करना है सुपर स्क्रिप्ट। बट ये तो सर टेडियस बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी काम होगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेके चलता हूँ 10-20,000 डेटा को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्मॉल ओ लिखते हैं अगले कॉलम में, क्योंकि हमें तो विजुलाइजेशन करना है। जैसे अभी आपने देखा कि शैडो दिख रहा था, बट शैडो नहीं था, कलर था, जो भी रिपोर्ट मैंने ओपन की थी। तो सेम यहाँ भी हम उसी तरह का नज़र का धोखा कह सकते हैं, एक नज़र का धोखा तैयार कर रहा है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, यहाँ सुपर स्किप कर दिया। ओके, इसको और छोटा कर देता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको एक बार सेलेक्ट करके यहाँ से लेफ्ट एंड अप कर देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड में रहेगा हमेशा। उसके बाद हमने वापस इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और चले रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, बॉर्डर में चले गया। हमने बॉर्डर सारे बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया, बट ये जो है ना इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ताकि दोनों कॉलम का डिवाइड नहीं दिखाए। उसके बाद इसकी कलर जो है मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि बीच के जो ग्रिड लाइन है वो हट जाएगा।
अब देखिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है, बट आपको ऐसा लग रहा है ना कि 52 डिग्री है, 36 डिग्री है, 63 डिग्री है, क्या गरिमा जी? एक ही सेल दिख रहा है। हाँ तो यही होता है, मतलब कि हम जो फॉर्मेटिंग यूज करते हैं इसी तरह का नजर का धोखा हम करते हैं। अब इस तरह से और कितने धोखा हम दे सकते हैं और क्या क्या तरीके और क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं। अब मान लीजिए ऐसे नंबर्स आपने लिख के कहीं दिए और किसी को इस नंबर पे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस चेक करना है और चेक करके इसको क्रॉस करना है। हेलो विनोद जी, तो इस रिकॉर्डिंग इसको इस तरह क्रॉस करना है क्योंकि गलत है, तो कैसे? क्योंकि ये तो हमारा इसका जूम का टूल्स था, हमने कर दिया, लेकिन आप एक्सेल में कैसे करोगे? तो एक्सेल में करने का कई सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शंस है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ बॉर्डर पे आए, बॉर्डर के साइज थोड़ा सा मोटा ले लें, यहाँ से कलर लें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, एंड देन ओके। अब आपको अपने सिस्टम का F4 प्रेस करना है, ठीक है सर? F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। मैं F4 नहीं दबा रहा हूं क्योंकि F4 से मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो सही है, लेकिन आपको टिक का निशान लगाना है। तो फॉर्मेट सेल में बॉर्डर में आप जाएं और यहां से आप कलर ले, एक ग्रीन कलर ले लें, इस बार मोटा वाला ले लें, इसको इस तरह से ले, क्या गरिमा जी? विनोद जी, हाँ जी क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे आप किसी तरह का फिल्टर वगैरह नहीं लगा सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अरे कैन यू रिपीट, एक्चुअली मेरा नेटवर्क ये हो गया था, ऑफ हो गया था, तो इट्स नॉट। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल, ये जो क्रॉस वगैरह दिख रहा है, मुझे इस तरह का लगाना था कि दिखे गलत है, राइट? तो राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से और यहाँ से दोनों जो बॉर्डर्स है वो लेके ओके कर देता हूँ। ओके ओके ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, आप कहीं से कोई पैराग्राफ उठाते हैं, मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ उठाता हूँ, ठीक है? जैसे देखिए मेरे पास आया हुआ, तो मुझे इस पैराग्राफ को टाइप करना, तो एक सेल में तो होगा नहीं, तो हमने कई सारे सेल को सिलेक्ट करके हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। लेकिन क्या लग रहा है, मर्ज में पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होगा? पेस्ट नहीं हो रहा। कैसे होगा मर्ज में पेस्ट, निर्मा जी आपको पता है? जी इसके अंदर जब हम टाइप करेंगे तो वो हो जाएगा, आप देखते ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे टाइप नहीं करना है ना, मुझे मतलब कि मैंने मर्ज कर दिया हुआ है सेल को, अब मैं एक मेल से कहीं और से डेटा इसको कॉपी किया और मुझे पेस्ट करना, क्योंकि मैं अच्छा, अगर एक सेल में सेम, पेस्ट करूंगा सेम फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा ना? नहीं, अगर किसी सेल में पेस्ट करना, अब एक बार समझ ध्यान से देखिए, हमने किसी सेल में पेस्ट किया तो पेस्ट हो गया, बट मैं रैप टेक्स्ट में पेस्ट कर रहा हूं तो नहीं पेस्ट हो रहा है। मतलब कि जो हमारा मर्ज है, हमारा एरिया जो मर्ज एरिया है, उस मर्ज एरिया में पेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसको यहां रखना है ना। उसके लिए क्या करना होगा आपको, जस्ट डबल क्लिक करना होगा, देन पेस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मर्ज में आप कहीं और एक कहीं और से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, एक्सेल से की बात नहीं, एक्सेल टू एक्सेल की बात नहीं कर रहा, एक्सेल टू अदर लोकेशन, अदर ऑफ सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक इंटरनेट, जस्ट लाइक वर्ड, जस्ट लाइक नोट पैड, वहाँ से अगर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करके। लेकिन फिर ये एक सही तरीके से नहीं आया, तो इसको यहाँ से आप रैप कीजिए, थोड़ा तो साइज को छोटा कीजिए ताकि एक सेल में आ जाए, ठीक है? करेक्ट। अब मान लीजिए कि इसमें जो हमारा जो है, इसमें मैं यहाँ पे जो स्कोर, क्रेडिट स्कोर है, एक गलत लिखा हुआ है,
तो मुझे इसको गलत बताना है। तो सबसे पहले इसको कलर रेड कर दीजिए, फिर कलर रेड करने से भी बहुत लोग नहीं समझेंगे गलत है, लेकिन फॉर्मेट सेल पे आपने स्ट्राइक थ्रू कर दिया, लिख रहा है स्ट्राइक थ्रू। अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करके ओके कर दिया तो अब हर कोई कहेगा कि ये गलत है, समझे? ओके, यस। तो हम यहाँ बैक टू दिस टॉपिक आते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कौन कौन से गलत है उसको फिल्टर करना है आपको, बात समझ रहे हैं सर? Yes, yes. कौन कौन से गलत है उसको फिल्टर करना है तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि इस आपकी फॉर्मेटिंग पे फिल्टर वर्क नहीं करता है, आपकी फॉर्मेटिंग पे फिल्टर वर्क नहीं करता है, ठीक है? सो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से शो करें, जैसे मैंने इसको यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो फिल्टर भी कर सकूँ, कैलकुलेशन भी लगा सकूँ, फॉर्मूला भी लगा सकूँ, तो मैंने यहाँ पे कैप्स में पी टाइप किया और यहाँ कैलिवरी के अंदर ये जो फॉन्ट है उसमें सबसे लास्ट में आई थिंक वेडिंग टू या वाइंडिंग टू करके फॉन्ट होता है, यहाँ आएगा, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई किया। तो वेडिंग टू एंड वाइंडिंग टू क्या करेगा, जो पी को जो है इस तरह का सही के निशान में ला देगा, और आप अगर कैप्स में ओ लिखते हैं तो ये आपको क्लोज कर देगा। तो एक्चुअली में दिख तो रहा है आपको क्रॉस एंड आपको टिक का निशान, राइट का निशान, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में आपका ओ ही है, ठीक है? ओके, तो ये इसमें जाना पड़ेगा, विंडिंग टू, वाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट अप्लाई करना होगा, जो कि पी को जो है इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ठीक है, इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट। अब इस पे आप जो है फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा लीजिए, यहाँ देखिए ओएमपी में फिल्टर होगा, जब सी पी वाला चाहिए देखिए सी पी वाला आ गया आपको। तो इस तरह का फिल्ट्रेशन वगैरह आप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अब क्या है कि ये जो फॉन्ट है वाइंडिंग टू, दिस इज अ पार्ट ऑफ विंडो, नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल। हो सकता है कि विंडो के किसी वर्जन में हो ही ना, उस केस में क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग एक काम और करते थे, हालांकि ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा है, तो हम कैप्स में जे लिखते थे और फिर यहाँ अलाइनमेंट पे जाते थे, इसको हम लोग इसमें अलाइनमेंट में आपको दिखा रहा है अलाइनमेंट, यहाँ अलाइनमेंट पे -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते। आप यहाँ जाके मोड में आकर देख सकते हो -45 डिग्री, ठीक है? तो -45 डिग्री के एंगल पे हम इसको रोटेट कर देते, अलाइनमेंट जी हाँ, और क्रॉस के लिए तो एक्स है आपके पास। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो अलाइनमेंट में हमने जो जे को टिक का निशान की तरह हमने रोटेट कर दिया है, इसका और यूज है? जी हाँ, और यूज भी है। इसके लिए मुझे एक छोटा सा सैंपल डेटा बनाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगस्त का ही डेट डाल देता हूँ, फिर डेट को स्ट्रैक किया 31st तक, और यहाँ पे हमने दिया, इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ और इसको पी कर देता हूँ। ये सिंपल सा डेटा में बना रहा हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करके हम इस पर बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम है कि इसको हम प्रिंट कैसे करें, क्योंकि तो इसको प्रिंट, जब भी आप कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट पे जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर दें, पेपर साइज़ भी आप A4 कर दें, स्केलिंग को नॉर्मल कर दें, फिर भी आपका 14-15 के बाद का नहीं दिखेगा, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि तो पेपर की एक फिक्स साइज है। आप एक्सेल के साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो ना, पेपर का थोड़ी कम कर सकते हैं आप,
पेपर इलास्टिक का थोड़ी होता है कि उसमें तो उसको लमा के प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में हम क्या करेंगे कि आप फॉर्म यहाँ से भी कर सकते हो आप, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, 90 डिग्री के एंगल पे इसको हम रोटेट कर देंगे। फिर पूरे सीट को ए ट्रायंगल में जो बना हुआ है ट्रायंगल पे क्लिक करके पूरे सीट को सिलेक्ट कीजिए, और किसी भी एक कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही आपके सामने ये आपका इस तरह से हो जाए, क्योंकि इसका जब हमने देखा कि डेटा हमारा छोटा है, सिर्फ हेडिंग बड़ा है। अब देखिए, अब पूरा यहाँ पे प्रिंट होगा, साथ में जगह भी बच गया है। तो फॉर्मेटिंग का ये रोल है। अगर ये चीज़ ना करेंगे तो क्या होगा, अगर ये सेम चीज अगर ना करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो बैठेगा नहीं, एक पेज के ऊपर नहीं आएगा, एक पेज के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग ने इसको एक पेज पे ला दिया। तो इसलिए सर हमारी जो पहली टॉपिक होती है वो फॉर्मेटिंग इसलिए होती है क्योंकि हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग ही तो बनाना शुरू करते हैं ना। तो ये फॉर्मेटिंग का टॉपिक हमारा था। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेटिंग में, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एक आपका इंडियन है ना। अब जैसे मान लीजिए, जैसे कि कहीं भी आप जाते हैं, जैसे ये देखिए सर्च और क्रमिकल दिख रहा है ना सर, इस पे क्लिक करूँगा टाइप करूँगा हट जाएगा, हट गया, फिर वापस देखूँगा आ जाएगा, आ गया। नीचे ऑटो सेशन मत देखिए, जैसे आप जी मेल पर क्लिक करते हो, न्यू मेल पर क्लिक करते हो, या सब्जेक्ट दिख रहा है, टाइप किया सब्जेक्ट हट गया, लीट मारा फिर वापस आ गया, ठीक है सर आपको? Yes. तो क्या इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं एक्शन? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पे एक ये बनाया, एक मान लीजिए बना रहा हूं मैं यहां, और मैं चाहता हूं कि यहां हमारा क्या शो हो, यहां हमारा यहां पे शो होना चाहिए ईमेल, ठीक है, यहां पे शो होना चाहिए ईमेल, और यहां पे शो होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस पर कुछ टाइप करूं, मैं ईमेल हट गया, फिर डिलीट करूं ब्लैंक छोड़ दूं, तो वापस ईमेल आना चाहिए, लेकिन यहां पे ईमेल नहीं आ रहा है, कैसे होगा? तो इस चीज के लिए हम ईमेल को यहां लिखेंगे इस पहले वाले सेल, और पासवर्ड को भी हम यहीं पे लिखेंगे, उसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, ये आपके सामने इंडेन है, इसकी कलर भी व्हाइट कर दीजिए, ठीक है, इसकी कलर भी व्हाइट कीजिए, और यहां से इंडियन कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू है तो यहां B3 पे, बट ये प्रोजेक्ट हो रहा है C3 पे, समझे? तो जैसे आप यहां कुछ टाइप करेंगे वो क्या होगा, छुप जाएगा, क्योंकि C3 पे वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आप यहीं पे लिखते हैं सुजीत कुमार, तो एक कुमार कब तक दिख रहा है, कुमार कब तक दिख रहा है, जब तक कि जी वाले कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जी वाले कॉलम में वैल्यू आएगी कुमार छुप जाएगा। तो सेम चीज यहाँ हो रहा है कि हमने पूजा लिखा था, पूजा छुप गया, लेकिन जैसे पूजा को डिलीट किया ईमेल वापस आ गया, समझे? पासवर्ड डाला तो पासवर्ड दिख रहा है, डाला पासवर्ड। अब आप लोगों को किसमें रिसर्च क्या करना है, रिसर्च करना है। अब पासवर्ड तो हमने डाला था ना सर, पर पासवर्ड दिख रहा है, हमें पासवर्ड की जगह पे डैश 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 दिखना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। हम कोई फॉर्मूला कोई लगाए तो पासवर्ड दिखना, पासवर्ड होगा वो, लेकिन विजुअल होना चाहिए इस तरह से, समझे? करेक्ट। ये आप लोगों का रिसर्च है जो कि आपको करके कल लाना है, ठीक है गरिमा जी? ओके ठीक, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।